योगी ने पहले ही बोला था छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी यही। अब की बारी है उन भ्रष्टाचार अधिकारियों की जिनकी इमारतों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। भ्रष्टाचार के ट्विन टॉवर पर सरकार का बड़ा एक्शन हुआ, टॉवर इतिहास के पन्नों में धराशायी होते हुए गिर गया। लेकिन सवाल ये खड़ा था उन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या जिनकी शह पर ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई। अब उसका जवाब भी सीएम योगी ने दे दिया है। जानते हैं क्या, सीएम योगी ने 26 भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाई है, 26 के 26, वो 26 जिनकी शह पर ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई। अब इन अधिकारियों पर योगी सरकार ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि टॉवर की बुनियाद भ्रष्टाचार की नींव पर मजबूत हुई उसे भी घेरा जा सके। अधिकारियों की बकायदा लिस्ट तैयार हो चुकी है, सीएम ऑफिस ने ये लिस्ट जारी की है। वो अधिकारी जो उस वक्त नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे, वो अधिकारी जिनकी शह पर ये इमारत खड़ी हुई, जिनके संरक्षण ने इमारत को मजबूत कर दिया। 15 मंजिल से 32 मंजिल तक इमारत कैसे बन गई, ये एक अहम सवाल था। सवाल ये भी कि ट्विन टावर को बनाने में 200 करोड़ की लागत तो लगी, लेकिन क्या भ्रष्ट अधिकारियों ने इसकी नींव को मजबूत करने का काम किया था और वो नोएडा अथॉरिटी में मजे लेते रह गए और सपनों को खरीदने वाले आज सड़क पर आ गए। आइए आपको बताते हैं कि इस ट्विन टावर को गिराने में कुल कितना नुकसान हुआ। सुपरटेक प्रोजेक्ट में करीब 915 फ्लैट थे जिससे कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती। कुल 915 फ्लैटों में से लगभग 633 बुक हो गए थे और कंपनी ने जो लोग इन्हें खरीद रहे थे उनसे लगभग 180 करोड़ रुपए ले लिए। अब कंपनी को बकायदा इन्हें 12% ब्याज के साथ पैसा लौटाने को कहा गया है। भ्रष्टाचार की इस ट्विन टावर की गाथा की शुरुआत 18 साल पहले शुरू हुई थी और वो साल था 2004। मगर सवाल इस इमारत के गिरने का नहीं, सवाल तो उन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई से भी जुड़ा है और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिन्होंने इस इमारत को खड़ा करने का काम किया। भ्रष्टाचार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इस इमारत के पाले भी बढ़ते चले गए। टावर की ऊंचाई भी उसी हिसाब से बढ़ती चली गई जैसे कि भ्रष्टाचार। और अब योगी इस बात को समझ चुके हैं, तभी तो वो एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। टावर तो गिर गया, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो अधिकारी नोएडा अथॉरिटी में बैठकर रिटायरमेंट तक ले चुके हैं। लेकिन योगी सरकार कह रही है बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो जो था सबका हिसाब किताब होगा। आशियाने सिर्फ गरीबों के नहीं गिरेंगे, जिनकी शह पर ये खड़े हुए उनके भी गिरेंगे। टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन 2 मार्च 2012 को हुआ था। ऐसे में 18 साल पहले जो जो अधिकारी जिनकी आंखों के सामने ये इमारत खड़ी हुई उनसे योगी सरकार हिसाब किताब करना चाह रही है। नए संशोधन कैसे किए गए, किसकी शह पर किए गए और क्या इसमें सफेदपोश नेता भी शामिल हैं? आखिरकार वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी शह पर इमारत खड़ी हुई, अब उनका भी हिसाब किताब योगी चुकता करना चाह रहे हैं। साफ है आने वाले वक्त में ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर, उनके आशियानों पर जब बुलडोजर चलेगा तब देश के सामने एक नजीर पैदा होगी। नजीर ये कि अधिकारी रिटायर जरूर हो जाएं, लेकिन हिसाब तो पुराना भी देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।